रेहान, हाँ रेहान, हेलो 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 आदि, आदि कहाँ है तू? तू 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 जल्दी आ जा यार, भाभी सर का एक्सीडेंट हो गया।
और हाँ ये कुछ कुछ पैसे हैं, इन्हें रख, भाभी जान के इलाज के काम आएंगे। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे यार तू देख, अल्लाह मैंने चाहा तो पैसे तो बहुत आएंगे और आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है ले पैसा रख, भाभी जान के इलाज के काम आएंगे, समझा? चल रेहान। हाँ क्या किया, गाड़ी बेच दिया? अरे वैसे भी उस गाड़ी का क्या काम यार, तू बता ना। एक तो पेट्रोल इतना खाती थी, ऊपर से खटारा हो गई थी यार, उस दिन देखा था ना कैसे बंद हो गई थी बीच में, कितना स्टार्ट किया स्टार्ट ही नहीं हो रही थी यार, उस गाड़ी का क्या काम। अरे यार चुप कर रहे थे, चुप कर, सब ठीक होगा समझा, अल्लाह मियां ने चाहा तो सब खैरियत होगा, बिल्कुल परेशान मत हो समझा। अच्छा बना है आदित्य, इतना बेकार बना है और नमक भी कितना ज्यादा है, तुम फिर भी खाए जा रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो? जब खाना अच्छा नहीं बनता है तो बोल देना चाहिए ना, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। सर 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 आप कहां पे हैं? आप जल्दी से हॉस्पिटल पे आ जाइए सर, मैडम की तबीयत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रही है, प्लीज सर। देखो आदित्य, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? पिछले 3 दिनों से मेरी बीबी बेहोश है और आप लोग कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। धैर्य रखो, भगवान पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेशेंट का सही इलाज नहीं हो रहा है तो तुम उसे कहीं और ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे मौके पर धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंट से काम लो, भगवान को याद करो। तो क्या करें, किसी मंदिर मस्जिद में ले जाएं और इसको एडमिट कर दें और बोले कि हे भगवान आइए इसका इलाज करिए। पेशेंस रखो यार, झूठा सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं डॉक्टर बनने और कहते हैं भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, तो आप लोग किस काम के हैं? तो ये बंद करिए हॉस्पिटल, खोल दीजिए कोई मंदिर और मस्जिद। बिना कपड़ों का चल सकते हो? पिछले कई दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि नहीं हो सकता, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? कोई तो रास्ता होगा ना? कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या कोई नहीं कर सकता, क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? तुम करना ही नहीं चाहते हो, पागल हो गई हो, क्यों नहीं करना चाहेंगे, खींच के देंगे, एक लपड़ होश में आ जाओगी, पागल औरत। कहीं तुम्हारी ये सारी समस्याएं उस मन्नत के ना पूरी होने की वजह से तो नहीं? आजकल की पीढ़ी हो, हंसी आएगी हो सकता है मेरी बातों पर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेशेंट का सही इलाज नहीं हो रहा है तो तुम उसे कहीं और ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे मौके पर धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंट से काम लो, भगवान को याद करो। तीन दिन से मेरी बीबी बेहोश है, और डॉक्टर बोलता है भगवान मालिक, भगवान भगवान आज तुझे तो बहुत मजा आता होगा ये गुड्डा गुड़ियों के खेल खेलने में, खेलो
खूब खेलो, तुम खेल सकते हो क्योंकि सत्ता तुम्हारे हाथ में है। तुम जिसे चाहो जैसे चाहो वैसे नचा सकते हो। मुझे मेरी मां का चेहरा तक याद नहीं, बाप की अंगुली तक का आभास नहीं है। बचपन में सहारा देने वाला कोई नहीं था, उसके बाद मुझे मेरी सोना मिली, उसने मेरा हाथ थामा और आज तुम उसे भी छीन लेना चाहते हो। नहीं, मैं एहसान नहीं होने दूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर तेरा यही जिद है मेरे और तुम्हारे बीच की शर्त पूरी हो तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, वो भी बिना कपड़े के नंगे। माय लॉर्ड, ये हमारे सजाए हुए कोर्ट के फैसले भले ही तर्क और सबूत पे चलते हो, लेकिन हमारे जिंदगी के कोर्ट के फैसले तर्क और सबूतों के कहीं पार चले जाते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है मिस्टर आदित्य, कोर्ट किसी के इमोशन पर नहीं चलाई जा सकती। यहां तो सिक्के तर्क और सबूतों के चलते हैं। माय लॉर्ड, मैं मौका है वारदात पर मौजूद समाज सेविका भारती सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। नमस्ते। तो भारती जी, जहां पर यह घटना घटी वहां पर आप मौजूद थी? जी, जब यह घटना घटी मैं उस वक्त वहां मौजूद थी। ऐसा वहां क्या हुआ था कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा? जब मैं गंगा स्नान करके वहां से निकली तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहां पर आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। जब मैंने उस वजह को जानने की कोशिश की तो मुझे उस घटना के बारे में पता चला। लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, बताइए। लोग काफी क्रोधित और बहुत गुस्से में थे और बहुत लोग तो इनको पागल समझ रहे थे। वहाँ का माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि एक समाज सेविका होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे इस वक्त इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। सो मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो यहाँ आकर इस सिचुएशन को हैंडल करे और यहाँ के माहौल को सही करे। भारती जी, आप एक समाज सेविका हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि यह हरकत ठीक थी? जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत है और ये सभी दृष्टिकोण से गलत ही माना जाएगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर समाज के बहुत से लोग थे, बड़े बुजुर्ग बच्चे यहाँ तक कि स्त्री पुरुष सब इकट्ठे थे और परिवार के साथ थे। और अगर वैसे देखा जाए तो पब्लिक प्लेस पर इस तरह की कोई भी हरकत करना किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही गलत है। बात तो सही है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, अब आप जा सकती हैं। जी। माय लॉर्ड, अब मैं बुलाना चाहूंगा पंडित समाज के मुख्य व्यक्ति श्री 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 108 स्वामी शिवानंद जी महाराज को। इजाजत है। शिव 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 शिव। नमस्ते। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार बाबा। आप ये बताइए कि इन्हें निर्वस्त्र यात्रा करने की इजाजत मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें इजाजत देनी चाहिए। ये घोर अनर्थ होने की बात है, ये पाप हो रहा है, बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें हजारों लाखों की संख्या में इस यात्रा में शामिल होती है, और वैसे में ये अगर निर्वस्त्र घूमेंगे तो हमारे हिंदू समाज का धर्म पतन हो जाएगा। ये लगभग 96 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जिन्हें सैकड़ों गांवों को पार करके जाना होता है। ये बिल्कुल हर दृष्टिकोण से गलत है।
शिव 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 शिव। माय लॉर्ड, इस पॉइंट को भी नोट किया जाए। बाबा जी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। शिव शिव शिव। माय लॉर्ड, अब मैं बुलाना चाहूंगा शंभु शर्मा जी को, जिन्होंने मिस्टर आदित्य को यात्रा करने से रोका। इंस्पेक्टर साहब आइए। जय हिंद। हाँ तो शंभू जी। जी। आपने मिस्टर आदित्य को क्यों रोका? आपको क्या ठीक नहीं लगा? जी बिल्कुल, हमें वहां ऐसा कुछ ठीक नहीं लगा। वकील साहब क्या है ना कि हमारे ऊपर यात्रा की पूरी जिम्मेदारी होती है और हम पूरी व्यवस्था के साथ वहां पे खड़े रहते हैं कि जो भी हमारे कंवरियां हैं जो देवघर जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारे आदित्य जी ने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे कि ये इतना बड़ा बवाल करने वाले हैं। अगर हमें बताए होते तो हम इनके लिए कोई अलग व्यवस्था करते, कोई दूसरे उपाय ढूंढते। लेकिन जब हमें अचानक इस बात का पता चला तो हमें उन्हें रोकना पड़ा। क्योंकि क्या है ना वकील साहब, अगर हम उन्हें नहीं रोकते ना तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब आप ही बताइए, इतने बड़े भीड़ में इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं वहां पे और कोई नंगा पुंगा आदमी ऐसे दौड़ेगा तो हम उसका पैर थोड़े ना पड़ेंगे, रोकना तो पड़ेगा ही ना। और हमें डर भी था इस बात का कि वहां पे बवाल ना हो जाए, पब्लिक प्लेस है, कुछ भी हो सकता है। हमें जो सही लगा वो हमने किया। थैंक यू शंभू जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन के पास कोई सूचना नहीं थी। उनको इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी मगर मिस्टर आदित्य ने ऐसा नहीं किया। कारण सिर्फ इतना है कि मिस्टर आदित्य मन्नत वन्नत पूरी नहीं करना चाहते, इन्हें तो मीडिया कवरेज चाहिए था। बात तो सही कह रहे, नहीं तो इतना नाटक करते थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इसीलिए इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। माय लॉर्ड गलत है, माय लॉर्ड मेरी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इन सारी बातों को सोच सकूं। मिस्टर आदित्य आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपना केस खुद नहीं लड़ रहे होते। मिस्टर जाकिर, मिस्टर आदित्य, आपने अपने फायदे के लिए चंद पैसे और पब्लिसिटी पाने के लिए अपने धर्म की आड़ में ये गंदगी को फैलाने की कोशिश की है। मिस्टर जाकिर बकवास बंद करिए। अगर आपको इतने ही पैसे और पब्लिसिटी की जरूरत थी तो खड़े हो जाते चौराहे पे नंगे और अपनी बीवी को भी खड़ा कर लेते। आदित्य आड़ लेने की जरूरत क्या थी? आखिर ये हो क्या रहा? मिस्टर आदित्य, ये अदालत है, कोई आपका घर नहीं, और कानून की अवमानना के जुर्म में आप पे कार्रवाई हो सकती है। और मिस्टर जाकिर, आप तो उनसे कई मामले में सीनियर हैं, आपको तो कानून की मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। मिस्टर जाकिर, आप पे ये शोभा नहीं देता, आगे से इस बात का ख्याल रखा जाए। अदालत आज की कार्रवाई को समाप्त करती है। जाकिर सर। नमस्ते सर, आप काफ़ी सीनियर हैं हमसे, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने आपसे। सर क्या सही है क्या गलत है? हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं सर। सर एक सवाल पूछना था आपसे, ये काले कोट पहनते पहनते क्या हम अंदर से भी काले हो गए हैं सर? बस इतना ही पूछ रहा था सर।
गया तो क्या करोगे? भगवान से भी छीन कर लाऊंगा तुम्हें। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं बुलाने की इजाजत चाहूंगा मिसेज भारती जी को। इजाजत है। भारती जी। जी। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे दो बच्चे हैं। आपकी शादी हो गई है? मेरे दो बच्चे हैं तो शादी तो? जी, ये कोई जरूरी नहीं है, बिना शादी के भी बच्चे होते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज कंटिन्यू। मैंने पूछा आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। ओके, आपने कभी नंगे व्यक्ति को देखा है? ये कैसा बेहुदा सवाल है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। मैंने पूछा क्या आपने कभी नंगे व्यक्ति को देखा है? जी देखा है। किसको? मैं शादीशुदा हूं। ओके, इसका मतलब आपने अपने पति को देखा है? जी। पति के अलावा और किसी को? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? इस सवाल का केस से क्या लेना देना है? लेना देना है माय लॉर्ड, लेना देना है इस केस से। यू मे प्रोसीड प्लीज। हाँ, तो मैंने पूछा कि आपने पति के अलावा किसी और को नंगे देखा है? वो कोई भी हो सकता है। जी देखा है, मेरे पिताजी को। जी, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने कहा कि मैंने उस सिचुएशन में किसी और को देखा है, पिताजी को। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, प्लीज कंटिन्यू। जैसा भी, ये कोई हंसने की बात नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो इस कंडीशन में ही नहीं थे कि उन्हें किसी चीज की समझ हो। उनकी दिमागी हालत इस तरह से खराब हो चुकी थी कि उन्हें अपना कोई भी काम करने की सुध-बुध नहीं थी। उनके सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे, उनके खाने पीने से लेकर उनकी हर चीज का ख्याल मुझे रखना पड़ता था। और किसी को याद करिए, कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है। जी, मैंने अपने भाई को भी देखा है, मगर वो उस वक्त बहुत छोटा था। भारती जी, जिस नजर से आपने अपने पिताजी को देखा, क्या उसी नजर से आप अपने पति और भाई को भी देखती हैं? जी नहीं, ये दोनों ही बातें बहुत अलग हैं। हर व्यक्ति को देखने का नजरिया और उनके लिए उनकी भावना अलग होती है। पॉइंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड, उस नंगे व्यक्ति के ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है तो उसे देखने वाले लोगों के नजर के ऊपर, कि वो किसको कैसे देखते हैं। एक सड़क पे नंगा व्यक्ति खड़ा है, कुछ लोगों को देखकर उनके मन में गरीबी, बेबसी, लाचारी नजर आती है, तो कुछ लोगों को देखकर उनके मन में अश्लीलता नजर आता है। हाँ तो भारती जी, मान लेते हैं कि एक औरत गर्भ से है और संयोग से वो पब्लिक प्लेस पे है, और ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उसे उसी वक्त बच्चे को जन्म देना पड़े, तो वो क्या करेगी?
ऑफ कोर्स उसे बच्चों को जन्म देना चाहिए, लेकिन वो तो पब्लिक प्लेस है, कोई बच्चा पैदा करने की जगह तो नहीं है। उस वक्त देखा ये नहीं जाएगा कि जगह कौन सी है, उस वक्त जरूरी है उसके अपने बच्चे की जिंदगी, क्योंकि वो खुद मौत और जिंदगी के बीच में अटकी हुई है। बात तो सही है उसकी। तो उसे सिर्फ बच्चे को जन्म देने के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि समाज और दुनिया के बारे में। बिल्कुल सही माय लॉर्ड। कभी कभी इंसान इतना बेबस और लाचार हो जाता है कि उसके पास समाज के नियम और कानून तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। आप जा सकती हैं भारती जी। जी माय लॉर्ड, मैं बुलाने की इजाजत चाहूंगा श्री श्री 108 शिवानंद जी महाराज जी को। इजाजत है। शिव 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 शिव। अरे पापी। शिव 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 शिव। कैसे हैं बाबा आप? दूर हट के बात करो, दूर हट के बात करो। ओके ओके। तुम महापापी हो, तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। पुण्य और पाप का ठेकेदार तो आप ही लोग हैं बाबा। तुम नरक में सड़ोगे। तुमने हिंदुत्व की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की है। शिव 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 शिव। आपका शिव शिव अगर हो गया हो तो मैं कुछ पूछूं? पूछो, लेकिन दूर से ही पूछो। तुम्हारे जैसे पापी के नजदीक जाना भी पाप है। बाबा एक बात बताइए, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और महान पर्व महाकुंभ स्नान होता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु स्नान करने आते हैं। क्या इससे हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है। इससे हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता बिल्कुल नष्ट नहीं होती। क्यों नष्ट नहीं होती है? क्योंकि वो साधु हैं, उनके पास लंबे लंबे दाढ़ी और लंबे लंबे बाल हैं, इसलिए। क्योंकि वो मोह माया से दूर हैं, यही उनका धर्म पथ है, नैतिक कर्म है। माय लॉर्ड, हर साल महाकुंभ में हजारों और लाखों की संख्या में नागा साधु जब स्नान करने जाते हैं तो हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट नहीं होती। तो फिर मेरे अकेले जाने से कैसे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट हो सकती है? इसीलिए कि आप माया मोह में हैं। शिव 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 महाराज जी, एक सवाल और आपसे पूछना है। मान लेते हैं कि आप जिस कटघरे में खड़े हैं उसमें आग लग जाए। शिव शिव शुभ शुभ बोलो, भगवान ना करे ऐसा हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप जिस कटघरे में खड़े हैं उसमें आग लग जाए और वो आग आपके कपड़ों को पकड़ ले, तो आप क्या करेंगे? अरे मूर्ख, तो मैं करूंगा क्या, कपड़े निकालकर फेंक दूंगा, और क्या करूंगा। कैसे फेंक सकते हैं आप? यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो आप। हाँ, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उससे क्या मतलब है? पहले तो अपने को बचाना है। अपने को बचाना है तो आप पूरे समाज का बिना परवाह किए हुए कपड़े उतार कर फेंक देंगे तो इसे अश्लीलता नहीं फैलेगी और हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल ही नहीं फैलेगी। आग लगेगी तो कपड़ा उतार के फेंकूंगा ही ना। बिल्कुल सही माय लॉर्ड, क्योंकि ये आग हम सबको दिखाई दे रही है, लेकिन एक व्यक्ति के मन की आग इससे भी बड़ी हो सकती है। वो आग की लपटें इतनी गहरी हो सकती है कि वो आदमी आत्महत्या तक कर ले, या समाज के नियम कानून को तोड़कर अपना जान बचाए। आप जा सकते हैं बाबा। शिव 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 शिव। माय लॉर्ड, जीवन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें तर्क के कसौटी पर रखकर नहीं कसा जा सकता। दुनिया में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को, कोई किसी में विश्वास रखता है तो कोई किसी में आस्था। और यह भी हो सकता है अल्लाह को मानने वाले लोग राम और कृष्णा को ना माने, और राम कृष्णा को मानने वाले लोग अल्लाह को ना माने। लेकिन माय लॉर्ड, एक बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि जिंदगी और मौत है, जो हमारे सामने हर वक्त मुंह बाए खड़ी रहती है। और यह भी सब मानते हैं कि जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ में है। तो माय लॉर्ड, मुझे भी उस परमात्मा के चौखट पे जाकर सर रखकर अपना फरियाद कहने का मौका दिया जाए। माय लॉर्ड, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज
इस बात को और नहीं घसटा जाए। प्लीज माय लॉर्ड, मैं कितना बदनसीब हूं कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और मैं यहां एक छोटी सी इजाजत की भीख मांग रहा हूं। आज यहां उसके सर पे होना चाहिए था, वो हाथ झूठे तर्क और सबूत ढूंढने में लगा है। माय लॉर्ड, मैं ये नहीं जानता कि इस मन्नत से मेरी वाइफ की जिंदगी में कुछ लेना देना है भी या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता माय लॉर्ड, मैं उसे वापस पा सकूंगा या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता उसके आंखों की चमक, होठों की मुस्कुराहट मैं वापस ला पाऊंगा या नहीं। लेकिन माय लॉर्ड, मैं हर वो कोशिश कर लेना चाहता हूं जो मैं कर सकता हूं। अगर माय लॉर्ड मेरी मन्नत से इतना ही परेशानी है तो मैं ये जर्नी रात भी सुन सा सड़कों से दौड़ के पूरा कर लूंगा माय लॉर्ड। कोशिश करूंगा माय लॉर्ड कि कम से कम लोगों के बीच आ सकूं। प्लीज माय लॉर्ड, आपके जो भी शर्त होंगे सारे शर्त मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे इजाजत दे दिया जाए, सोना मेरी जिंदगी है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता माय लॉर्ड। प्लीज माय लॉर्ड, सोना मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता माय लॉर्ड। प्लीज माय लॉर्ड, मुझे ये जर्नी करने का मौका दिया जाए माय लॉर्ड। प्लीज मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य आप अपना ख्याल रखिए। मिस्टर आदित्य, सोना मेरी जिंदगी है माय लॉर्ड, सोना मेरी जिंदगी है माय लॉर्ड, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। प्लीज माय लॉर्ड, प्लीज। 10 मिनट के अल्प विराम के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों के तमाम दलीलें और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत यह फैसला करती है कि मिस्टर आदित्य पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद है, इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। साथ ही साथ उनकी धार्मिक भावनाओं एवं विशेष परिस्थिति को देखते हुए अदालत उन्हें यात्रा की अनुमति प्रदान करती है। The court is adjourned. मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी वाइफ जल्दी से अच्छी हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो। अपना ख्याल रखना।
हमसे जुदा, हर पल यही मैं मांगू दुआ, आंखों में चाहत दिल में वफा, तेरे लिए रहेगी सदा, तू मेरी राधा मैं तेरा किशन, तू मेरी राधा मैं तेरा किशन, ओ मेरे सनम, 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 ओ मेरे सनम। तो बोल तो आदि, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ यार। तुझे पता नहीं कि रास्ते में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत कठिन रास्ता है। तुझे पता है लोग जाते हैं तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, न जाने नदी नाले जंगल झाड़ क्या क्या पार करना पड़ता है, पहाड़ियां चढ़नी पड़ती है। तो कब से कब तेरी मदद तो कर सकूंगा ना यार, वैसे भी यहां पे रह के हमेशा मेरे दिल और दिमाग में फिक्र लगी रहेगी कि तू कैसा है, मैं तेरा मदद कर सकूंगा यार। नहीं रिया, मैं जानता हूं कि तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हो और किए भी हो, लेकिन इस समय तुम्हारे भाभी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ यार, भाभी जान को तो जरूरत है हमारी। पता है आदि, भाभी जान को कुछ नहीं होगा। अल्लाह मियां तो हमारे साथ है। तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगा कि सब खैरियत होगा और देखना तू तेरी यात्रा सफल होगी। मुझे पूरा विश्वास है तेरी यात्रा जरूर सफल होगी। अरे ये बाबा की नगरी है, यहाँ जोर से बोलो बोलबम बोलबम
बोल बम, जोर से बोलो बोल बम, बोल बम, बोल बम, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बोल बोल बम। अरे बाबा की नगरी में आके रोता है, बड़ा बदकिस्मत है तू। अरे यहाँ तो नाचो गाओ। बोल जोर से बोल, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बाबा नगरिया बड़ी दूर है, जाना जरूर है। बोल बोल बम, बोल बम, बोल बम। उठ हिम्मत कर, बाबा तुझे पुकार रहा है। उठ उठ बेटा, उठ हिम्मत कर। अगर अगर बाबा ने तुझे यहां तक बुलाया है तो वो तेरी मुरादें भी जरूर पूरी करेगा। उठ उठ बेटा, उठ, चल हिम्मत कर, बोल बोल। उठ उठ हिम्मत कर बेटा, हिम्मत कर, बाबा तुझे पुकार रहा है। उठ उठ बेटा, उठ उठ, हिम्मत कर बेटा, हिम्मत कर। नमः शिवाय, 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 कहाँ जाने की तैयारी चल
मंदिर जा रही हूँ। ठीक है जा, सब कुछ करना, मन्नत मत मांगना। कल की बत्ती हो गई गुल, सुन इडियट सुन ब्लडी फुल। हाँ कल की बत्ती हो गई गुल, सुन इडियट सुन ब्लडी फुल। पीने डाला फिर गैस रे पगले, तब भेजे में हो हुलचुल। अरे दुख को डंडे बंडे मार दे, दुख को डंडे बंडे मार दे, खुशी के झंडे बंडे गाड़ दे, खुशी के झंडे बंडे गाड़ दे। ऐसी जो चादर ओढ़ के सोई है, चल उसके तकिए बकिए फाड़ दे। दुख को डंडे बंडे मार दे, खुशी के झंडे बंडे गाड़ दे। ऐसी जो चादर ओढ़ के सोई, चल उसके तकिए बकिए फाड़ दे। कर ले कर ले कर ले अय्याशी थोड़ी सी, अरे अकल की बत्ती हो गई गुल, सुन दे सुन ब्लडी फुल। दिन बिला फिर गैस रे पगले, तब भेजे में हो हलचुल। होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, चिंता चौराहे पे रख दी क्यों माथे पे लादे। अरे होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, चिंता चौराहे पे रख दी क्यों माथे पे लादे। मुंह में रखा इमली का दाना, मर जाए गुस्से का नाना, इमली का दाना गुस्से का नाना। हाँ कर ले कर ले कर ले अय्याशी थोड़ी सी, अरे एक और एक दो नहीं ग्यारह करते हैं। ओ यार हमको थप्पड़ दुख को डंडे मारा करते हैं। चल फिकर कर दे कलशी में, चल फिकर कर दे कलशी में, चल फिकर कर दे।